So in this video we will look that the representation of the vectors in the Cartesian coordinate system. So now assume that if I'll take any point, you can say if I'll take any point P which is 1, 2 and 3, another point is Q which is 2, minus 2 and 1. ठीक है, तो अभी करना क्या है, now we have to represent this point into the Cartesian coordinate system. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, we have to draw the Cartesian coordinate system. ठीक है, so first तो assume कर लेते हैं. ठीक है, ये हो गया y axis, ये हो गया x axis, और इसके perpendicular क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड एक्सिस. ठीक है, ये एक्स वाई जेड हो गया. अब हमको रिप्रेजेंट करना है 1, 2, 3. 1, 2, 3 रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट पी है इसका जो मैग्नीट्यूड 1 है ये किस डायरेक्शन पे है, ये डायरेक्शन होगा ए एक्स के, ये 2 कहाँ पर होगा ए वाई के, और 3 कहाँ पर होगा ए जेड पे. ठीक है, 1, 2, 3. तो एक्स पे हमें रिप्रेजेंट करना होगा 1, 2 पे वाई पर रिप्रेजेंट करना होगा 2, और जेड पर रिप्रेजेंट करना होगा 0.3. उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा, हमारा पॉइंट पी होगा. ठीक है, नाउ सी हाउ विल ड्रॉ दिस वन. मान लेते हैं कि जस्ट एज्यूम दैट दिस इज दी 1 इन द एक्स एक्सिस, और ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 2 इन दी एक्स एक्सिस, 1 रिप्रेजेंट करना है. वाई एक्सिस पे हमें रिप्रेजेंट करना है 2, तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे करके हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए. ठीक है, और 3 रिप्रेजेंट करना है जेड पे, तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. तो ये तीनों को ही हम क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये बस आपको मैं समझाने के लिए इतना ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपके आपको ये पॉइंट को क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये पॉइंट पी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पर आएगा. अब आप देखिए एक्स एक्सिस पे कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है, तो ये 1 वाला पॉइंट ये हुआ, ये 1 वाला पॉइंट ये हुआ, और वाई एक्सिस पे कितना है 2 है, तो 2 हो गया. मतलब 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ. अब देखिए, अब जो 3 होगा तो कहाँ पर आ रहा है, वो जेड एक्सिस पर आ रहा है, जेड एक्सिस पर आ रहा है. मतलब कौन सा हमारा प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई हो रहा है. तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यदि बनाए हम, तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यदि हम लेके जाएं, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 और 2 का ये हो गया. तो ये लगभग हम मान लेते हैं ऐसा कि ये जो पॉइंट है, ये ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमारा आएगा, ये बेसिकली आएगा, तो ये कैसा रहेगा, ये हमारा पॉइंट पी हो गया. तो ये मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, जिसको हमने ओ से डिनोट कर दिया, ओरिजिन, ये ओरिजिन से रहे. तो ये हो गया हमारा पॉइंट पी, विच इज़ क्या हो गया, 1, 2 और 3. उसी प्रकार से यदि हमको रिप्रेजेंट करना है पॉइंट क्यू, तो 2, -2 और 1. तो 2 हो गया एक्स एक्सिस में, -2 हो गया वाई एक्सिस पे, और 1 कहाँ पर हो गया, जेड एक्सिस पे. तो 2 हो गया एक्स एक्सिस का, 2 यहाँ पर आएगा, वाई का -2 निकालना पड़ेगा. तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, इसको एक रिवर्स वे में हम ड्रॉ कर लेते हैं. हम इसको क्या कर लेते हैं कि रिवर्स वे पे आप इसको ड्रॉ करते हैं. तो इसका जो मान लेते हैं कि वाई एक्सिस में ये हो गया -1 और ये हो गया -2. तो -2 की रिक्वायरमेंट है, तो -2 हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये -2. तो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का -2 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ, और 1 आएगा कहाँ का, जेड का. तो ये कुछ पॉइंट हमको यहाँ पर मिलेगा. ऐसा मान लेते हैं कि जो इसका एक जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है, वो कहाँ पर रहेगा, ये कुछ ऐसा हम मान लेते हैं कि ये लगभग पॉइंट इसका यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो अभी तो ये हो गया पॉइंट क्यू. ठीक है, दिस इज दी पॉइंट क्यू. ठीक है, तो नाउ अब इसको वेक्टर में डिफाइन करने के लिए, इस पॉइंट को वेक्टर में डिफाइन करने के लिए
हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया, हम इसको ज्वाइन कर लिए, इसको हमने नाम दे दिया RP, ठीक है। हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया Q पॉइंट को, इसको हमने नाम दे दिया RQ। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं P से Q, डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R, ये हो जाएगा R P Q, ये क्या हो गया R P Q, चाहे तो हम इसको कैपिटल में लेते हैं और क्लियर रहेगा ये। तो ये हो गया R P Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमको डिफाइन कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि, ठीक है, वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, वेक्टर आर पी पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट पी। तो ये आर पी क्या, एक वेक्टर है जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिन से, और कहाँ तक जा रहा है, टू द पॉइंट पी, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैसे, हम डिनोट कर रहे हैं इसको आर पी से। तो नाउ हाउ विल राइट दिस पॉइंट पी, वन कहाँ का है जैसे बताया था मैंने, वन ऑन द ए एक्स, टू इज द ए वाई, एंड थ्री इज द ए जेड। सो विल राइट वन इंटू ए एक्स, विल राइट टू इंटू ए वाई, एंड विल राइट थ्री इंटू ए जेड, ठीक है, क्लियर। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो हमारा वेक्टर आर पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस टू ए वाई प्लस थ्री ए जेड। ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से सिमिलरली फॉर द पॉइंट क्यू वी कैन डिफाइन दैट वेक्टर आर क्यू पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट क्यू, सो वी कैन डिफाइन एज आर क्यू। और कैसे डिफाइन होगा, देखिए टू कहाँ पर है, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स माइनस डायरेक्शन ऑफ वाई, दिस डायरेक्शन ऑफ जेड। सो वी कैन डिफाइन इज, दिस इज गिवन एज द टू ए एक्स माइनस टू ए वाई प्लस ए जेड। तो ये क्या हो गया आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ देखें क्या बोल सकते हैं, आर पी प्लस आर पी क्यू हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा आर क्यू, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्यू। सो वी कैन राइट दिस इज दी आर पी प्लस, दिस इज गिविंग द वेक्टर आर पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्यू। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्यू विल बी गिवेन एज द आर क्यू माइनस आर पी होगा, क्या होगा आर क्यू माइनस आर पी। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप वेक्टर लिख रहे हैं आर पी क्यू तो क्या होगा एक्चुअल में, ये क्यू माइनस पी होगा, पी माइनस क्यू नहीं होगा, क्यू माइनस पी होगा। तो यहाँ पर आर क्यू माइनस आर पी करना है, तो माइनस करना है यहाँ पर से, तो क्या इसका आंसर डायरेक्टली आएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं ए एक्स यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ फोर ए वाई, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू ए जेड, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टू ए जेड। तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया वेक्टर पी क्यू, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि कोई पॉइंट डिफाइन है, पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस पॉइंट को वेक्टर में डिफाइन कर सकते हैं, और हम रिजल्टेंट वेक्टर भी यहाँ पर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।